के प्रयागराज का सियासी पारा इन दिनों गरमाया हुआ है। रईस चंद्र शुक्ल के बीजेपी में शामिल होने से उपजा बवाल अब दिल्ली पहुंच गया है। सूत्रों की माने तो इस घटनाक्रम से नाराज नंदगोपाल नंदी बीजेपी आलाकमान से शिकायत करने दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि यूपी बीजेपी में आंतरिक घमासान बढ़ने वाला है। 2022 में सपा के प्रत्याशी रहे रईस चंद्र शुक्ल शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गए। रईस चंद्र शुक्ल की बीजेपी में एंट्री के बाद ही कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी भड़के हुए हैं। शहर दक्षिणी से बीजेपी के विधायक नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई। उन्होंने बिना नाम लिए डिप्टी सीएम किशोर प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ लोग पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ही रईस चंद्र शुक्ल को बीजेपी में शामिल कराया था। रईस चंद्र शुक्ल ने 2022 विधानसभा में नंदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, हालांकि शुक्ल हार गए थे। उस समय समाजवादी पार्टी में भी शुक्ल के खिलाफ आवाज उठी थी, वो बीजेपी के एजेंट हैं। वहीं पूरे मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो अच्छे लोग हैं वो पार्टी के अंदर आएंगे और जो गंदे लोग हैं वो पार्टी से बाहर जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ रईस चंद्र शुक्ल की बीजेपी में एंट्री से नंदी भड़के हुए हैं? जवाब है नहीं। दरअसल नंदगोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी को इस बार बीजेपी ने प्रयागराज से मेयर पद का प्रत्याशी नहीं बनाया। पार्टी ने उमेश चंद्र गणेश केसरवानी को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। वहीं अतीक अहमद मामले में भी नंदी का नाम आने से भी उन्हें थोड़ा झटका लगा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अपने हाथ रेत फिसलता देख नंदी ने अब दिल्ली का रुख किया है।